इटली के रोम शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक स्वतंत्र देश वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। भारत की तरह इटली भी कई राज्यों में विभाजित था। सन 1871 में इटली के सबसे बड़े हिस्से का शासक पोप था, जिसके पास कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों शक्तियां थी। लेकिन जब इटली का एकीकरण हुआ तो पोप का साम्राज्य धीरे धीरे कम होने लगा। पोप की शक्तियां वेटिकन सिटी तक ही रह गई और पोप ने तानाशाह मुसोलिनी के साथ मिलकर एक संधि की, जिसमें लिखा था इटली के किसी भी राजनीतिक फैसलों में पोप दखल अंदाजी नहीं करेगा, बदले में वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिले। इस प्रकार 11 फरवरी 1929 की संधि से वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बन गया। एक स्वतंत्र देश होने के साथ ही कई ऐसी खास बातें हैं जो वेटिकन सिटी को अलग बनाती हैं। पहली तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। 2019 में वेटिकन सिटी की जनसंख्या 825 थी। वेटिकन सिटी की करेंसी यूरो है। इंडियन करेंसी की तुलना में 1 यूरो भारत के 89.48 रुपयों के समान है। वेटिकन सिटी में बोली जाने वाली भाषा लैटिन है। यहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति कैथोलिक हैं। इस देश के पास अपनी खुद की आर्मी है, जिसमें 135 सिपाही हैं। इतना छोटा देश होने के बाद भी इस देश का अपना डाक, अपना संचार, अपना रेलवे भी है। ये देश अपने नागरिकों को पासपोर्ट भी उपलब्ध कराता है। तो इतना कुछ जानकर एक बार तो मन जरूर करेगा कि देश के सबसे छोटे देश में एक बार जाकर जरूर देखा जाए। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो जरूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।